तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट और रही तो क्या ना मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से, और तुम्हें नहीं होगा फिर से। चुरा लूंगी मेरे म्यूजिक एंगल बढ़ेगा लव का, हीरो तोड़ेगा दिल। यूं तो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का हर अलग अलग एलिमेंट्स के लिए जानी जाती है। जहां एक तरफ कुछ फिल्म में हमें एक एक्शन भरपूर देखने को मिलता है तो कुछ फिल्मों में रोमांस। ये तो हम सब जानते हैं कि रोमांस वाली फिल्म ज्यादातर ऑडियंस पसंद करती है क्योंकि ये फिल्म हमेशा ही हमें एंटरटेन करती है। और रोमांस से अगर हम बात करें ऐसे बहुत सारे अलग अलग एंगल्स हैं जो ऑडियंस को पसंद आते हैं। इन सभी एंगल्स में एक है जिनमें अगर हम बात करें एक सबसे पसंदीदा एंगल है हमारी ऑडियंस का लव ट्रायंगल। जी हाँ, कुछ कुछ होता है फिल्म हो या फिर द स्टूडेंट ऑफ द ईयर, इन सब में हमने एक लव ट्रायंगल तो जरूर देखा। आई एम श्योर आपको याद तो आया होगा जिससे अगर हम बात करें ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन फील करती है। एक और ऐसी कहानी थी जिसने अपने बेहतरीन म्यूजिक के साथ हमें एक बहुत ही सुंदर स्टोरी के बड़े पर्दे पर दिखाया। वो कहानी थी रहना है तेरे दिल में, जी हाँ, जिसमें दिया था मिर्ज़ा सैफ अली खान। और अगर हम बात करें इनका जो लव ट्रायंगल था वो इतना अमेजिंग था और सबको इतना पसंद आया था। अगर हम बात करें दोस्तों तो आपको बता दें ये फिल्म दोबारा करने जा रही है कमबैक। जी हाँ, रहना तेरे दिल में पार्ट टू, अगली लव ट्रायंगल जो कि आपको बता दें वो ज़रूर आएगी, यानी कि होगा कुछ थटके। जी हाँ, पहली फिल्म में हमने देखा था दो लड़कों को एक लड़की के लिए ज़मीन आसमान एक करते हुए, तो वही इस बार हो सकता है कि दो लड़कियों को करना पड़ेगा हमारे हीरो का इंतजार। जी हाँ, अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट तो आएगा तो ही ऑडियंस थिएटर तक खींचने वाली है। जी हाँ, लेकिन देखने वाली बात ये है कि क्या वाकई में ये लव ट्रायंगल करनेगा यानी कि रहना है तेरे दिल में टू को हिट। क्या ऑडियंस करेगी इस फिल्म को पसंद? अब ये देखने के लिए हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार यानी कि फिल्म के रिलीज होने तक का। लेकिन तब तक अगर हम बात करें फिल्मों के इंतज़ार से आगे बढ़कर, आपको बता दें कि इस फिल्मों को बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है। इस फिल्म के लिए लोगों के बीच एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा देखने को भी मिल रही है। अब ये फिल्म करेगी धमाल यानी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वेल दोस्तों, आपका क्या कहना है फिल्म के बारे में हमें कमेंट्स में ज़रूर बताओ।